चलिए आज मेरे साथ बनाइए विश फुलफिलमेंट की शिवलिंग। अब इसे बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप ये शिवलिंग बना लेंगे उसके बाद इनकी पूजा कैसे करनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें बनाने हैं बर्फ के शिवलिंग, और इस शिवलिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको कोई भी कटोरी या फिर आपको कोई भी ग्लास ले लेना है, उसके अंदर आपको जल डालना है, स्वच्छ जल डालना है, और जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं, चंद्रमा आपके बैलेंस हो जाएंगे। साथ में आपको डालना है थोड़े से अक्षत, हमें वीनस भी बैलेंस करना है, थोड़े से मसर की दाल, मार्स, साथ में हम हरी मूंग की दाल डालने वाले हैं, थोड़ी सी चने की दाल डालने वाले हैं, बुध और गुरु ठीक हो जाएंगे। सूर्य के लिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, साथ में कुछ सरसों के दाने डाल सकते हैं, थोड़ा सा भस्म डाल सकते हैं, इससे हमारे राहु केतु और शनि जो है ये सारे कुछ बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये किसी भी गहरे बर्तन के अंदर रखना है, आपको वहीं बैठ के एटलीस्ट मिनिमम 11 माला रुद्राक्ष की माला आपको ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः का आपको बोलना है, साथ में आपको सहस्त्र नाम जो शिव जी के सहस्त्र नाम है उसकी पाठ जरूर करनी है वहां बैठ के। और उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाए तो आपको क्या करना है कैप्शन में पढ़िए। आई होप दिस हेल्प्स। नमस्ते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।